चलिए दोस्तों, इस मैथ को समझते हैं। साइड एम एन ऑफ एल एम एन, ट्राइंगल एल एम का साइड एम एन इज़ प्रोड्यूस टू एक्स। तो इसका तस्वीर बना लेते हैं आपके मदद के लिए। हाँ, ऐसा है। क्या है ट्राइंगल एल एम एन? एल एम एन कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया था? एक्स तक। तो मान लेते हैं ये एक्स तक प्रोड्यूस किया गया। हाँ, इफ एंगल एल एन एक्स, इसका वैल्यू कितना है? 117। और क्या क्या? एंगल एम जो है हाफ ऑफ एंगल एल है। हाँ, एम एंगल जो है ना, क्या है? इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एल। तो एम हाफ है एल का, ये जो है ना एल, एम जो है इसका हाफ है। इतना आपको पता चला। चलिए, हम लोगों से पूछा क्या? एल का वैल्यू पूछा गया है। तो एक चीज़ देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं एंगल जो एम है क्या है इक्वल टू एक्स, तो एल क्या होगा? एंगल एल क्या होगा? 2x, क्योंकि एम हाफ है। इतना आपको पता चला? यहाँ तक आपको पता चला? अगर हम लोग मानते हैं एम और एल को हम लोग ऐड कर देंगे, एक्स प्लस टू एक्स, एक्स प्लस टू एक्स, तो कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? 3x आएगा। हाँ, 3x आएगा। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, एंगल एल और एम मिला के ही तो एक्सटीरियर एंगल बनाता है ना। ये एक्सटीरियर एंगल एल और एम मिला के ही बनाता है ना। तो इसका वैल्यू कितना आया? 3x। इसका वैल्यू कितना आया? 3x। लेकिन एल एंड एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 117। तो 3x का वैल्यू कितना है? 117। तो 3 से काटेंगे 117 को, तो 3 3 9, 3 9 27। तो एक्स का वैल्यू कितना आया? 37 39। एक्स का वैल्यू कितना आया? एम का वैल्यू आया 39। तो एल का वैल्यू कितना आएगा? इसका डबल, 78। बहुत आसान मैथ था, आपको सिर्फ समझना था। चलिए, मिलते हैं और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, बता देता हूँ।